साधना करने वाले भगवान के भक्त मौजूद हैं, भगवान की मौजूदगी बताने वाले कि भगवान है। कृष्णा 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 हे राम 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 हे कृष्णा 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 कृष्णां पाहि माम राम 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 रक्षं माम। हे भगवान कृष्ण, मुझे आपके शरण में लीजिए। हे भगवान राम, आप मेरी रक्षा कीजिए। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। राम उन्हीं का नाम है जो परमेश्वर हैं, क्योंकि वो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हें राम कहते हैं। कृष्ण है जो सभी को आकर्षित करते हैं, सभी की अपनी सभी को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी शरण में लेने को बाहें फैलाए हुए हैं, उनका नाम कृष्ण है, आकर्षण है, परम आकर्षण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आइए आगे चलते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, कुंती जी का नाम ही प्रथा, एक दूसरा नाम पड़ा है, क्योंकि पृथु महाराज के कोई संतान न होने से कुंती जी को, जो वसुदेव जी की बहन है, उनको गोद ले लिया था। तो पृथु महाराज की पालन पोषण में रहने वाली बच्ची का नाम प्रथा पड़ा, लोग प्रथा नाम से बुलाने लगे। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को प्रथा पुत्र कहा कि हे प्रथा पुत्र, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ये तेरा मन अन्यत्र नहीं जाएगा। भगवान गोविंद के श्री चरण कमलों में स्थिर हो जाएगा। अभ्यास करो अर्जुन। संत लोग ध्यान करते हैं, अभ्यास है। ध्यान करते ही आसन पर बैठते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान की सेवा करना सबसे बड़ा अभ्यास है। भगवान की सेवा करते करते भक्त का मन प्रेम सहित भगवान के श्री चरण कमलों में अटक जाता है, फिर भगवान से अलग नहीं होना जानता, अलग नहीं होता, हो नहीं सकता कोशिश करने से भी। लाख तकलीफें, मृत्यु आके खड़ी हो तब भी नहीं, तब भी भगवान को ही याद करता है। बाकी तकलीफों में तो क्यों नहीं करेगा। अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान करो अर्जुन, जो भी कुछ काम करते हो उसको भगवान के लिए करो। ध्यान करते हो, भजन करते हो, माला जप करते हो, या झाड़ू मारते हो भगवान के मंदिर में, या कोई गीता भागवत रामायण पढ़ते हो, ये ध्यान पूर्वक पढ़िए करिए, अटेंटिवली आप एकाग्रचित से उस काम में लग जाइए जो भगवान के लिए किया जा रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं
उसको अटेंटिवली कीजिए और स्मरण रखिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। आप दफ्तर में ड्यूटी दे रहे हो या खेतों में हल चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, मान लो हल्ला भी आजकल नहीं रहे, या अपने कपड़ों की प्रेस कर रहे हो, या रोटी बना रहे हो, या सब्जी बना रहे हो, या बच्चों को खिला रहे हो, या मार्केट प्लेस में बच्चों के साथ भ्रमण के लिए निकले हो, परचेजिंग के लिए निकले हो, सदैव भगवान गोविंद को याद कीजिए। इससे आपका प्योरिफिकेशन होगा, इससे आपके हृदय में भगवान का प्रेम भरेगा और आप पवित्र होंगे, आपकी भावना पवित्र होगी। प्योरिफाइड योर कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर हिम। ये सरल हो जाता है जब आदमी ईमानदारी के पथ पर चलने लगता है। बेईमानों के हृदय में या बेईमानों के पथ पर चलने पर ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब आदमी सच्चाई से ईमानदारी से इस जीवन को जीना चाहता है तो भगवत स्मरण प्रारंभ हो जाता है। सत्य ही उनका नाम है। सत्य को जानना हो तो वो परमेश्वर है। तो पर सच्चे मार्ग पर जो चलता है वो तो सत्य को जानने के लिए ही चलता है, सत्य का खोजी होता है। तो उसको जिस घड़ी वो चलने लगता है सत्य पर, तो उसके हृदय में आनंद की किरणें उतरने लगती हैं, आनंद विस्फुटित होने लगता है, आनंद के झरने झरने लगते हैं, आनंद के कमल खिलने लगते हैं। क्यों नहीं खिलेंगे। सत्य का बोल बाला और झूठ का मुंह काला। सत्यमेव जयते, ये वेदों के बहुत लाउडली कहे गए वाक्य हैं कि सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। असत्य डिफीट खाता है, पराजित होता है। सत्य पथ पर जब आप चलने लगेंगे तब आप कहीं भी हो, मार्केट प्लेस में हो, बच्चों के साथ हो, दफ्तर में हो, घर में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, पी रहे हो, सदैव भगवान का स्मरण बना रहता है। इसमें आपका परम कल्याण है, परम लाभ है। इससे बड़ा सौदा कोई नहीं है। यह सच्चा सौदा है। यह महापुरुषों ने सच्चा सौदा किया है तब वो महापुरुष कहलाए और भगवान को प्राप्त किया है। आप भी कर सकते हैं सहपरिवार। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। पार्थ, उस परम पुरुष परमेश्वर का तू चिंतन कर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरच अक्षरेव च क्षरे सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते। भगवान ये क्षर और अक्षर से परे हैं। वो परम सभी कारणों के कारण है। हे पार्थ, तो उस परम पुरुष का स्मरण कर। अभ्यास, अर्जुन 8 वर्ष का बालक है, गुरु के विद्या करने के लिए गुरु के आश्रम में। सब बालक सो रहे हैं, जितने भी वहां अस्त्र विद्या सीखने आए हुए हैं, गुरु के साथ रहते हैं, द्रोणाचार्य जी के साथ। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य रात में अर्धरात्रि को उठे लघु शंका के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई बालक रात में तीर चला रहा है दीवार पर एक गोला बना करके, और उस गोले के अंदर 8-10 तीर लगे हुए हैं। काफी से वो बालक अभ्यास कर रहा है। गुरुजी ने पूछा, कौन? मैं हूं अर्जुन गुरुदेव, आपका शिष्य अर्जुन। अर्जुन,
तुम क्या कर रहे हो इस अंधेरे में? अभ्यास गुरुदेव, अभ्यास अंधेरे में तीर चलाते हो, यह कैसे संभव है? और ये गोले में जो 10-12 तीर लगे हैं, ये क्या तुमने चलाए? बोलो जी गुरुदेव। ओ अर्जुन, तुम साधारण धनुर्धर नहीं बनोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, इस पृथ्वी के श्रेष्ठ धनुर्धर तुम कहलाओगे एक दिन। अर्जुन कहलाए, अभ्यास किया। अभ्यास करोगे तो भगवान के श्री चरण कमलों में आपका मन स्थिर हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन, चेतसा यानी मन, चित्त, चित्तियां अन्यत्र नहीं जाएंगे, भटकेंगी नहीं संसार के भोगों में, चिंताओं में, दुखों में, कलेशों में, बीमारियों में, रिश्तेदारियों में, पाखंडों में, इंद्रिय तृप्ति में, क्रोध, काम, लष्ट, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना नहीं। ये सदैव आपके विचार, आपकी चित्तवृत्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहें, उस श्याम सुंदर के श्री विग्रह का दर्शन करने में लगी रहेंगी, उनका चिंतन, उनकी लीलाओं का कथन, उनके कीर्तन में लगी रहेंगी, उनकी सेवा में लगी रहेंगी, तब आप निसंदेह भगवान के परम धाम गोलोक के वासी बन जाओगे। वहां पर तुमको एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, यहां पर ये भौतिक शरीर है, 50-60-70 साल में फैलने की तैयारी करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल शरीर जब आप इटर्निटी में प्रवेश कर जाएंगे, वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान से प्रेम करके, भगवत भावित बन करके, तब आप परम धाम के वासी बन जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त। जहां आपकी भावना है वहीं चले जाएंगे, इस शरीर त्याग करके। कृष्ण भावना भावित है तो कृष्ण जी को प्राप्त कर लोगे, परम धाम को प्राप्त कर लोगे। और एक सुंदर नव यौवनम च, सदैव नव यौवन रहने वाला जिस तत्व की आत्मा है, उस तत्व का पूरा शरीर आपको प्रदान कर दिया जाएगा। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और वहां जाने के बाद वापिस कभी करोड़ों वर्षों में भी वापिस यहां भौतिक संसार में वापिस शरीर धारण करने नहीं आना पड़ेगा, आप परम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा ही कीजिए, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? क्या बड़ी बिल्डिंग बनाना इससे बड़ा लाभ है? या दुनिया का रिचेस्ट आदमी कहलाने इससे बड़ा लाभ है कहलाने में? या इंद्र का पद प्राप्त करने में बड़ा लाभ है? नहीं, इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है, ये परम लाभ है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन। पार्थ, तो चिंतन कर, विचार कर कि तुझे परम पुरुष मिल जाएंगे यदि तू अभ्यास करेगा। तो अभ्यास, भक्त लोग माला जप करते हैं, भगवान का तिलक निकालते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, तुलसी उगाते हैं अपने घर में, तुलसी लगाते हैं, भगवान को अपनी रसोई का पहला भाग भगवान को अर्पण करते हैं, तुलसी दल डाल करके प्रणाम करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनसे रक्षा मांगते हैं, जो कुछ मांगना है उनसे मांगते हैं। बिना मांगे भी भगवान अपने भक्त की सभी युक्ति युक्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी जो कामनाएं भगवान से दूर न करें, उन कामनाओं को भगवान स्वतः ही दूर करते हैं भक्तों की। जो कामनाएं भगवान से दूर करती हो, भगवान अपने भक्तों की ऐसी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं करते। भक्त की स्पेशली, भक्त की शुद्ध कामनाओं को भगवान तुरंत पूर्ण करते हैं। भगवान को जो वास्तव में जो वस्तु की जरूरत है, भगवान स्वयं आकर दे देते हैं कि लीजिए। ददा बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि भी देते हैं, वस्तु ही क्या।
और वो भी ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि से उनकी प्राप्ति कर लेता है भक्त। योग क्षेम वाहाम्यहम्, किनसे मिलाना है, कहां ले जाना है, कब सुलाना, कब उठाना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है जो भगवान की शरण में रहते हैं। इतने प्रेम करते हैं भगवान, इतना प्रेम उनके हृदय में, तब वो भगवान है, वो सागर है प्रेम के। हम बूंद हैं, वो सागर है प्रेम के। तो बूंद भी अगर सागर की ओर जाना चाहे तो सागर 10 कदम आगे, लहरें आगे आती हैं 10 कदम कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। कैसे सागर बोलता है, आती है और वापिस जाती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सागर स्वरूप आए हैं भगवान, वो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, शरणागत को शरण देते हैं। जब शरण में नहीं जाना चाहे तो कैसे किया है? भगवान ने अपना दरवाजा सदैव खुला रखा है। कहिए कि उनके दरवाजे पर गेट किवाड़ नहीं है, सदैव खुला है, सबके लिए खुला है, चांडाल तक को खुला है, वैश्याओं को खुला है। कम बुद्धि वालों को भी खुला है और महान बुद्धिमान है उनको भी खुला है, सबको खुला है, देवताओं को भी खुला है और दुष्टों को भी खुला है। कोई जाना चाहे एक कदम, वो 10 कदम चल के आते हैं कि आइए, नहीं नहीं मैं तो दुष्ट हूं, कोई बात नहीं, तुमने एक कदम मेरी ओर उठाया, आइए, क्यों नहीं आते, रुक क्यों गए, आइए। क्योंकि वह हम सबकी बीज प्रदान करने वाली शक्ति है भगवान, हमारे पिता हैं वो। कोई पुत्र बिछुड़ गया है, गलत रास्ते पर चला गया है 1000 मील, यदि वो पिता की ओर आना चाहे तो कौन पिता है जो उसको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन्। कविं पुराणं अनुशासितारं अणोरण्या सम अनुस्मरेद सर्वस्य धातारं अचिंत्य रूपं आदित्य वर्णं तमसः परस्ता। कितने सुंदर भगवान की वाणी है। कविं पुराणं, हे अर्जुन, हे पार्थ, वो परमेश्वर परम पुरुष, कविं भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं, सबसे परम विद्वान है। भगवान ने अपनी ही गुण धर्मों का वर्णन यहां किया है, ये कह के कि अर्जुन को कभी मेरी शरण में आ कहते हैं तो कभी अर्जुन को कहते हैं कि परमेश्वर की शरण में जा। यानी किसी भी प्रकार से अर्जुन के मस्तिष्क में ये बात उतरे। भगवान भी कभी सोचते हैं कि ये तो मेरे मित्र हैं, अर्जुन सोचता होगा, और ये बार बार कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ, मेरा अंश है। तो कभी कभी भगवान ऐसा भी कहते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा। परमेश्वर सामने खड़े हैं लेकिन अर्जुन यानी आत्मा, हम सब किसी भी प्रकार से उस परमेश्वर को समझ जाएं